हाँ, आप कन्हैया कैसेट के माध्यम से भाग सुने और छा कि जो है मधुकर सा है। और पहले आप थोड़ी दो लाइन में वंदना सुने सरस्वती की। दास जान कर दे दया सारद बर दे मोए, दास जान कर दे दया सारद बर दे मोए, तन से मन से सुरत से पलक न बिसरू तोए, देवी सारदा सदा संग दय रहिए, और बीच विसर्जन जाइए, मो कपला की नाव सारदा खे के पार लगाइए, ए खे के पार लगाइए देवी सारदा सदा संग दय रहिए। छर पिंगल नहीं जानू सुकाब दोस बर कहिए, और फूल सिंह ते चरण चिते रोजा सिमरू ताइए देवी सारदा सदा संग दइए। गणेश कहाई और राम लला खो ल्याई, ए राम लला खो ल्याई रानी कुंवर गणेश कहाई। अरे कि राजा इष्ट कृष्ण को माने, रानी राम लला खो जाने, निज निज इष्टन के बरबान धारे दोई
अवसर जब तीरथ के आवे अवसर। अरे की अवसर जब तीरथ के आवे राजा वृंदावन खो जावे रानी अवधपुरी खो धावे माने सुखी होई ए तीरथ करके लौट और था। नृपरानी महलन आवे बेगुन गावे राम लला के कृष्ण चंद्र के बेगावे बेगुन गावे के गुण गावत मन में अतिशय सुख पावे मन में अतिशय सुख पावे अवधपुरी खो श्रेष्ठ बतावे वृंदावन खो बतलावे। तो राम कृष्ण में भेद नहीं है। रानी कमलापत कहने लगी मधुकर साह से कि राम कृष्ण में भेद नहीं है। और सुन जो ध्यान लगाई जाको मन जा मैं रम जावे ए सोई ताय सुहाई रानी कुनर गणेश कहाई। कमलापत मधुकर साह से कि त्रेता के श्री राम जी आ वृंदावन धाम द्वापर युग में प्रगट भये सुकृष्ण चंद्र बर नाम। रानी माने राम लला खो सो राजा श्री अदोराई। रानी माने राम लला खो सो राजा श्री अदोराई। उनमें रानी में और राजा में जो ही भेद हतो माने अरे के ज्ञानी ध्यानी संत महांत ज्ञानी। अरेक ज्ञानी ध्यानी संत महांत पंडित बुद्ध मान गुण मंत बोलवा में श्रीमंत नेज महलन में पंडित वेद पुराण बखाने। We'll be right back.
खाने सुन सुन पुरानी सुख माने देवे दान पूज सम्मान हारे से ते मानो मैं ए इष्ट भेद पर गया न मन का कैसे नाद क्या मधुकर साह का मन का भेद नहीं गाओ एक दिन बोले कमलापत से कि रानी तुम्हारे राम 12 क्लास है और हमारे कृष्ण 16 क्लास है नहीं अंतर तो है तो कहने लगे इष्ट भेद पर गया न मन का पंडित बहुविद समझाते इष्ट भेद पर गया न मन का पंडित बहुविद समझाते सब बोले नृप रानी से यो हम वृंदावन को जाते ये जाओ तुम अवधपुरी को ये जाओ तुम अवधपुरी को निभा ले ओ अपने नाते ये जाओ तुम अवधपुरी को निभा ले ओ अपने नाते तुम लाओ श्री चंद्र को कृष्ण चंद्र को हम लाते तो शुभ मुहूर्त शुभ दिन घड़ी पंडित दिए बताई निज निज तीरथ गए नृप रानी ए मन आनंद मनाई रानी कुंवर गणेश कहाई अवधपुरी रानी बसे करें नेम व्रत दान प्रात काल जाके करें सो सरजू में स्नान बहुत समय कमलापत के लाने बीत चुको तब एक दिन रानी बोली के भगवान अगर तुमने दर्शन नहीं दे तो हम जई सरजू मैया में अपने प्राण खो दे तो रानी कहने लगी कि दर्शन दे दो राम किनारे आके सरजू के दर्शन दे दो राम दर्शन दे दो राम किनारे आके सरजू के दर्शन दे दो राम कहने लगी रानी के अब तो भगवान दर्शन दे दो आशा धरे बहुत दिन बीते आशा धरे बहुत दिन बीते बीती बरस तमाम किनारे आके सरजू के दर्शन दे दो राम किनारे आके सरजू के
कह दो दरसियान के रघुवर रघुवर मन पूरन होए काम किनारे आके सर के दर्शन दे दो राम और कहने लगी रानी क्या कहने लगी नादिया नहीं हम प्राण तजत सरजू में नहीं हम प्राण तजत सरजू में तजत सरजू में तजत सरजू में जल्दी आओ राम किनारे आके सरजू दर्शन दे दो राम किनारे आके सर झुके और रघुपत राघव तुम रघुवंशी रघुपत राघव अंतर्यामी सिमरो आठो आम किनारे आके सर झुके सिमरो आठो आम किनारे दर्शन दे दो नाम तो रानी की गोदी में आए सो श्री राम रघुराई इतनी कहकर और कमलापत सरजू मैया में कूद पड़ी लेकिन ईश्वर की गति का कोई ठिकाना नहीं कि ईश्वर किस भेष में मिल जाए रानी की गोदी में आए ओ श्री राम रघुराई अरे कि तब जो बोले अबद बिहारी तब जो अरे कि तब जो बोले अबद बिहारी तुमने करी तपस्या भारी पूजी में अब लाभ तुम्हारी सुन लो नानी अब हम चले तुम्हारे संग अब हम अरे कि अब हम चले तुम्हारे संग बतलावे चलने का ढंग पोखन पोखन बन सारंग चले हैं रानी तो इतनी बात अवधपुर वासियों ने सुनी तो वहां विवाद छिड़ गया जय बात के ऊपर तो आप सुने आगे
अबधपुरी के कह नर नारी ओ जान न दे श्री राम खां। अबधपुरी के कह नर नारी ओ जान न दे श्री राम खां। ओ ऐसे कैसे तुम ले जा रही रानी और छा धाम। नाम निशान यहाँ को मिट जे कौन अयोध्या आहे। नाम निशान यहाँ को मिट जे कौन अयोध्या आहे। राम बिना बेकार जिंदगी सबने करी सलाह। पुरजन परजन कह जुर मिल के बोले राम नमामी। हमें छोड़ के काखों जा रहे तीन लोक के स्वामी। हमें छोड़ के काखों जा रहे तीन लोक के स्वामी। कहने लगे जान न दे है तुम्हें अबद से। जान न दे है तुम्हें अबद से पट्टो लग जे ग्राम खो। कैसे कैसे तुम ले जा रही रानी और था धाम खो। बाद बाद छड़ो आप उसमें करो राम निवटारो। बाद बाद छड़ो आप उसमें करो राम निवटारो। कमलापत कहने लगी कि भगवान तुम्हें करो जवाब को निपटारो। राम लला को सवाई नगर में कैसो अंटा डारो। राम लला को सवाई नगर में कैसो अंटा डारो। दादा जिले बड़ी आपस में हो रही थे भरोसो कहे कमला पतरानी। राम लला पे अटल भरोसो कहे कमला पतरानी। तो भगवान जी कहने लगे बोले राम भैर सब राखो। बोले राम भैर सब राखो अपने आठों आम खो। कैसे कैसे तुम ले जा रही रानी और छा धाम खो। तो बोले कि हम सबके होके रहे। भगवान जी कहने लगे सुबह और छा शाम अयोध्या सबको दर्शन दे हैं। सुबह और छा शाम अयोध्या सबको दर्शन दे हैं।
लड़ो भिड़ो नहीं तुम आपस में सबके हो के रे हैं। और इतनी बात अयोध्या वासियों ने सुनी तो सब लोग खुश हो गए। तो रानी ने कमलापत ने अयोध्या में क्या किया, सन कक्ष और कनक भवन बई कमलापत बनवाए, सन कक्ष और कनक भवन बई कमलापत बनवाए, सही इतिहास बताए, देखो आज अयोध्या जाके सही इतिहास बताए। तो का भाव भय मंजूर अवध पुरवासी, भय मंजूर अवध पुरवासी ले रघुवंशी नाम खो, बोले एन लो आ जाओ रानी रामे और छा धाम खो, बोले एन लो आ जाओ रानी रामे और छा धाम खो। विविध भात से करें नेम व्रत, विविध भात से करें नेम व्रत, चली अवध से तब रानी, चली अबद से तब रानी, महीना बीते साले बीती आई और छा राजधानी, सादर चंदन चौक पुराए, चौक पुराए बसन बिछाए लासानी, सादर चंदन चौक पुराए बसन बिछाए लासानी, बैठा रे श्री राम लला को स्तुति कर ज्ञानी ध्यानी। तो महलन से तोपे दगे ओ बजे विविध सहनाई, ओ हाट बाट चौहटपुर द्वारे इत्रन गली सचाई, रानी कुमार गणेश कहाई।